तो जून माह की हम एंट्रियां स्टार्ट करते हैं। लिखिए जून माह में, जून माह में लिखिए पहले तो एफ2 के द्वारा 21 चेक कर देते हैं, जे हमारी डेट बदल गई। लिखा मई माह का बिजली बिल ₹2000 चुकाया, मई माह का बिजली बिल ₹2000 चुकाया। SBI बैंक से, ठीक है। तो क्या करोगे, जब चुकाया है तो पेमेंट तो फिक्स है और SBI का है तो SBI तो करना है। अब लिखा है बिजली बिल, तो LTC करोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस कर दोगे, राइट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहां पर ₹2000 आपने डाल के यहां चेक नंबर नरेशन में डाल के इसे एक्सेप्ट कर दोगे। नेक्स्ट एंट्री लिखिए 22 तारीख में, 22 में क्या है, ₹50,000 का माल नगद बेचा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाए, ₹50,000 का माल नगद बेचा। तो जब ₹50,000 का माल नगद बेचा है तो अब हमारा सेल हुआ है, सेल कहां करते हो, F8 में। तो जब नगद बेचा है तो ऊपर क्या आना चाहिए, कैश आना चाहिए और नीचे सेल्स आ जाएगा भैया। तो सेल्स को सेल्स में डालने के बाद और एक्सेप्ट के द्वारा इसे सेव, कितना ₹50,000। ओके, नेक्स्ट डेट डालिए, देख 20,000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नगद जमा किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नगद जमा किया, नगद जमा किया तो F4 करोगे, स्टेट बैंक में किया तो ऊपर है स्टेट बैंक, ठीक है। और डेट हमारी 23 ही रहेगी, ओके, कितना है ₹20,000, ओके, और एक्सेप्ट के द्वारा इसे। अब नेक्स्ट एंट्री है 24 में, गोडाउन, क्या लिखा है, गोडाउन का मई माह का किराया दिया ₹6,000, हाँ, गोदाम का मई माह का किराया दिया ₹6,000, क्लियर, ₹6,000 दिया है तो गोदाम का दिया है तो पेमेंट में तो करना ही है। अब नगद SBI की लिखा नहीं तो नगद माना जाएगा, LTC करेंगे तो गोडाउन रेंट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट कितना है भैया ₹6,000। इस तरीके से हमारी एंट्री जो हो गई। नेक्स्ट एंट्री हमने की 25/6 में एक्सिस बैंक ने ₹1,000 मिनिमम बैलेंस चार्ज काटा, क्या किया है, एक्सिस बैंक ने ₹1,000 मिनिमम बैलेंस चार्ज काटा है बैंक स्टेटमेंट के अनुसार, ठीक है। तो बैंक ने हमारा पैसा काट लिया, मिनिमम कम पैसे हो गए थे इस कारण से उसने पैसा काटा, तो किसने काटा है, एक्सिस बैंक ने, और बैंक चार्ज बनाया होगा आपने, तो बैंक चार्ज जो लेजर एक बार बन जाए द्वारा आपको क्रिएट नहीं करना है, नहीं तो डिफरेंस आ जाएगा आपने, राइट। तो इस तरीके से इसकी एंट्री कर देंगे, ठीक है। अगली डेट, माल खराब हो गया ₹8,000 का, अगली एंट्री लिखिए माल खराब हो गया ₹8,000, खराब हो गया ₹8,000। तुझे जब खराब की एंट्री अभी तक नहीं बताई गई तो अभी इसको जनरल में करेंगे, कहां करेंगे, तो माल खराब हो गया या माल खराब हो गया तो अपन क्या कर देंगे, एक लेजर बना देंगे, गुड्स लॉस बना दे रहा, ठीक है, क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो कितना ₹8,000 का और 2 कर दोगे और परचेस से कम कर दोगे, उतना परचेस आपका कम हो जाएगा, ठीक है, गुड्स लॉस, राइट। तो इस तरीके से आपने इसकी एंट्री अगली तारीख मतलब 26 तारीख को कर दी, F2 दबाया,
न्यूज़पेपर का मई माह का बिल चुकाया। अब आपने क्या किया है, न्यूज़पेपर का मई माह का बिल चुकाया। तो न्यूज़पेपर का चुकाया तो पेमेंट में करोगे। अब देखते हैं, कैश बैंक तो नहीं है, कैश है, ओके, न्यूज़पेपर बना देंगे अल्ट सी के द्वारा, न्यूज़पेपर्स एक्सपेंसेस, राइट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना कितना भैया, 200 रुपए है। तो इस तरीके से फिर क्या आ गया, टेलीफोन का मई माह का बिल चुकाया। अब 28 में आ गए, टेलीफोन का बिल चुकाया लेकिन इन्हें एसबीआई का चेक दिया है, टेलीफोन का मई माह का बिल चुकाया 2000 रुपए एसबीआई से, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस बना देंगे, टेलीफोन एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना, 2000 रुपए। F2 दबाया, लिख लिया। फिर अगली तारीख में लिखिए 25, हाँ 28 लिखवा दी, 26, अच्छा 29 लिखना है, 29/6 में लिखिए 25,000 रुपए का भुगतान, 25,000 रुपए का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट से, डिमांड ड्राफ्ट से के एंड सन्स को किया एसबीआई से, और 40 रुपए कमीशन, 40 रुपए कमीशन। अब देखिए तो किससे किया, स्टेट बैंक से, ध्यान से देखिए, सबसे पहले लिखा है के एंड सन्स को कितने का दिया, 25,000 रुपए, और ये एडजस्ट कर दिए 50,000 में से, और बैंक चार्ज भी कट गया, कमीशन जिसे कह सकते हैं, कितना काटा 40 रुपए। तो ये एंट्री ऐसी होगी दोनों एक साथ, हाँ स्टेट बैंक से कट जाएगा 25,040 रुपए, डेट आपका 29 हो गया। नेक्स्ट डेट डालिए 30/6 में, फर्नीचर रिपेयर हेतु नगद भुगतान किया 1,000 रुपए, फर्नीचर रिपेयर हेतु, रिपेयर हेतु नगद भुगतान किया 1,000 रुपए। तो जब भुगतान किया है तो कैश आएगा, आप फर्नीचर रिपेयर बना देते हैं, कुछ लोग इसमें एसेट में डाल देते हो, गलत है ये, फर्नीचर रिपेयर, हाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कर दिए, कितना कर दिए रिपेयर 1,000 रुपए। इस तरीके से एंट्री हो गई। अगली लिखिए 1/7, 1/7 में 1 जुलाई की बात आ गई, अब 1 जुलाई में लिखिए सरल हाउस को, सरल हाउस को 20,000 रुपए का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट से किया एक्सिस बैंक, सरल हाउस को 20,000 रुपए का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट से किया एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ऊपर आएगा और सरल कर देंगे, क्या कर दोगे आप, सरल हाउस, कितना कर दिया भैया आपने 20,000, ओके। फिर इसके बाद F2 दबाया, 2 तारीख को दीपक सिंह को, दीपक सिंह को 3 माह अप्रैल मई जून, 3 माह अप्रैल मई जून का ब्याज चेक से दिया,
चेक से दिया, ब्याज कितना है 1.5 पर मंथ SBI 1.5%। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, अब तो यहां पर क्या किया, इधर क्लिक किया कैलकुलेटर वाले भाग पर, या कंट्रोल N और M के द्वारा जा सकते हो, विंडो को चेंज कर सकते हो कैलकुलेटर में जाने के लिए। अब आपने क्या किया, पहले तो दीपक से ही पता की बात की क्या था, दीपक से को तुमने देखा होगा, इधर अभी हम डालेंगे कैश और दीपक, तो आपको दिख जाएगा कि उसका 50,000 रुपए था, कितना था 50,000। तो 50,000 का 1.5% कितना निकला 750। तो 750 गुणे 3 बराबर कितना निकला 2,250। राइट, समझ में आ गया। अब 2,250 रुपए की एंट्री पहले करना, भुगतान किया है तो भुगतान के पहले हमें पता तो दायित्व तो जनरेट करना पड़ेगा, तो इसकी एंट्री होगी जनरल में, पहले कहां होगी जनरल। हाँ, क्या करोगे, अल्ट सी करोगे, यहां बनाएंगे अनसिक्योर्ड लोन, ऐसा लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन। क्या कर दिया, इनडायरेक्ट, ये एक प्रकार का व्यय है, ब्याज में देना पड़ रहा है 2,250, और किसको 2 दीपक सिंह को। तो देखिए सबसे पहले 50,000 था उसका, अब 2,250 रुपये और उसके खाते में हमने क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो टोटल अमाउंट कितना आ गया 52,250। अब इनने क्या किया, लिख सकते थे नरेशन में अप्रैल मई जून का ब्याज, अब इनने क्या किया कि भुगतान कर दिया है, क्या कर दिया है FI दबाया, और किससे, SBI से, तो यहां पर लिख दोगे दीपक, क्या लिख दोगे 2,200, दो एंट्री होगी, तो उसके 50,000 जैसे थे वैसे बच्चे, ब्याज अखिलाफ ने चुका दिया। यदि मान लो अभी 2,250 की एंट्री नहीं करोगे तो इसमें से घट जाएगा, उसको तो घाटा हो जाएगा, इसीलिए पहले ब्याज अपडेट किया फिर ब्याज का भुगतान कर दिया। ओके, फिर नेक्स्ट एंट्री लिखिए, अजय सिंह ने 10,000 रुपए घर खर्च के लिए निकाली, 3 तारीख में अजय सिंह ने 10,000 रुपए घर खर्च के लिए निकाले, निकाले, ठीक है। अब क्या होगा, अजय से निकाले तो कैश करोगे और अजय कर दोगे, क्या कर दोगे, और 10,000 रुपए का भुगतान कर दोगे, या ड्राइंग अकाउंट भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन अब अजय की खाते से हमने डेबिट क्रेडिट कर दिया, राइट, हो गया, क्योंकि उसने निकाले तो उसको दे दिए वापस, मालिक ने स्वयं के उपयोग के लिए निकालिए, जैसे हमने कोई पैसा हमारे खर्च के लिए निकाला तो व्यवसाय से अलग हो गया ना, हमने वो अलग है तो व्यवसाय को उतने पैसे कम हो जाएंगे, जी है, हाँ, पेमेंट में 4 में चाहिए, 4-7 में नगद विक्रय वापसी 5,000 रुपए। अब देखिए नगद विक्रय वापसी, माल बेचा था तो हमने सेल्स में किया था, अभी डेबिट और क्रेडिट नोट हमने पड़े नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पैसा हमारे पास नगद विक्रय वापसी, मतलब क्या हुआ, हमें पैसा देना पड़ा, माल आया तो हम भुगतान में कर देंगे, ये भुगतान में कर देंगे, क्या किया, पैसा देना पड़ा, माल आया तो क्या करोगे, F5 करोगे, पैसा पैसा गया है आपके यहां से, वापस किया मान पैसा गया, तो कैश कितना, कितने का किया अपन नगद विक्रय वापसी 5,000 रुपए, तो इधर सेल्स कर दोगे और इधर 5,000 रुपए लिख दोगे, तो इस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं अभी टेम्परेरी, नहीं तो डेबिट और क्रेडिट नोट बने इनके लिए पेमेंट में। अब अगली एंट्री है 2,00,000 रुपए का माल, अगली एंट्री 2,00,000 रुपए का माल
गोदरेज कंपनी से खरीदा, खरीदा जब गोदरेज से खरीदा है तो क्या करोगे भैया? तो F9 करेंगे सबसे पहले और गोदरेज देखेंगे बना तो है नहीं है, ये नई कंपनी है तो हमने गोदरेज नाम से लेजर जनरेट करना पड़ेगा, गोदरेज कंपनी राइट क्या मिल जाएगा? खरीदा है तो सन्डरिंग क्रेडिटर्स, फिर क्या करोगे? परचेस, परचेस ओके कितने का? 2 लाख रुपए। डेट क्या है? बदली नहीं है डेट, चलो चल जाए। हाँ नेक्स्ट डेट में लिखिए 6-7 में 1 लाख रुपए का भुगतान, 1 लाख रुपए का भुगतान गोदरेज कंपनी को डिमांड ड्राफ्ट से किया, एक्सिस बैंक डिमांड ड्राफ्ट से किया, एक्सिस बैंक। अब देखिए क्या किया, 6-7 में क्या कर दिया हमने? 1 लाख रुपए का भुगतान क्या कर दिया? तो पेमेंट में जाना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा? पेमेंट में जब जाओगे तो सबसे पहले क्या एक्सिस बैंक का, फिर किसको? गोदरेज, फिर बनाना ही नहीं है क्योंकि गोदरेज कंपनी पहले से बना हुआ है। केवल 2 लाख का माल लिया था तो 1 लाख चुका दिए तो उसका 1 लाख रुपए जी एडजस्ट हो गए और चेक नंबर और जिस सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद इसे एक्सेप्ट कर दोगे। नेक्स्ट एंट्री लिखिए 7-7 में 1,82,000 रुपए का नगद माल बेचा, बेचा तो कहां जाओगे? सेल्समैन। 1,82,000 रुपए का नगद माल बेचा तो कैश कर दोगे और भैया क्या कर दोगे? सेल्स, सेल्स को सेल्स में और 1,82,000 रुपए और एक्सेप्ट कर दोगे। आप देखिए अगली एंट्री 5,000 रुपए का गिफ्ट डीलर को बांटने के लिए खरीदे, रुपए का गिफ्ट या के गिफ्ट डीलर को बांटने के लिए खरीदे, आप भैया चाहे डीलर के लिए खरीदे हो चाहे किसी के लिए, वो तो कंपनी के लिए तो घाटा ही है ना, तो आप तो गिफ्ट आइटम बनाओगे, खरीदे हैं तो क्या करोगे? पेमेंट में कैश और यहां अल्ट सी कर दोगे, गिफ्ट आइटम ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने का? 5,000 रुपए लिख दोगे। डेट कौन सी? 8 ठीक। नेक्स्ट लिखिए 50,000 रुपए एक्सिस बैंक में नगद जमा किया, 50,000 रुपए एक्सिस बैंक में नगद जमा किया, जमा किए तो F4 में जाएंगे, एक्सिस बैंक लिखोगे आप नीचे, कैश कर दोगे और कितना? 50,000 रुपए ओके। अगली एंट्री है 10 में क्या लिखा है? अरे 25,000 रुपए का चेक सिल्वर एजेंसी से प्राप्त हुआ जिसे SBI बैंक में जमा किया,
एसबीआई बैंक में। तो भैया क्या किया आपने, रिसीव्ड हुआ है एसबीआई करोगे, किससे हुआ है, सिल्वर से। अब सिल्वर इसमें है ही नहीं है तो सिल्वर को बना दोगे सिल्वर एजेंसीज सन्डरी डेबिटर्स कहलाए, जब तुम पैसे दिए हमें तो कितना है 25,000 रुपए का। अब उसका हिसाब किताब हम न्यू रेफरेंस में डालेंगे, क्या में डालेंगे इसको ध्यान रखना, क्योंकि बाद में हो सकता है कुछ गड़बड़ी करवाए एडजस्ट करवाए, ठीक। तो ये डाल दिया आपने, तो आपका ट्रायल बैलेंस का योग आएगा डिस्प्ले कितना आएगा 18,38,490, इतना बुक में भी दिया है, ठीक है। तो ये आपका सवाल 2 महीने का सही, और कौन सा, जून जुलाई।